जेपी साहब जानते होंगे, कैबिनेट मंत्री रहे हैं पहले सुरेश राणा जी, वो भी लोग कह रहे हैं कि यहाँ से लोकसभा लड़ सकते हैं। अगर वो लड़ेंगे और इमरान के साथ फाइट हो तो कैसा मुकाबला आप देखते हैं? नहीं, सुरेश राणा जी का अच्छा है, साफ सुथरी छवि के आदमी हैं, भाईचारा बना कर रखने वाले हैं। इमरान जी थोड़ा सा ये है कि वो हिंदू मुस्लिम का ज़्यादा कर देते हैं। आपकी टिकट हो गया तो मैं देखो फिर 10 जगह की सीट फायदा क्या होगा, ऐसा आदमी को टिकट देना ही चाहिए। जब राघव लोखनपाल को अगर टिकट मिलता है तो सीट 10 जाएगी? 10 ही जाएगी, जब देखना नहीं आगे, लोगों से मिलना नहीं है, नया चेहरा होना चाहिए। नया चेहरा कौन होना चाहिए? कोई भी जैसा, मतलब हमारी तो ये कि भाई राणा जी का टिकट हो या उन्हीं की छवि है। उनसे राणा, अभय राणा की। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप, आप देख रहे हैं हेडलाइंस उत्तर प्रदेश। सहारनपुर की लोकसभा में मौजूद हो रही है, सहारनपुर लोकसभा का बेहद क्षेत्र पड़ता है। जनता से बातचीत करेंगे कि आखिर लोकसभा 2024 के चुनाव में कैसे देख रहे हैं, क्योंकि 2019 में यहां बीजेपी को परास्त किया था गठबंधन ने, सपा बसपा का गठबंधन यहाँ मौजूद मजबूत रहा था काफ़ी, और फजलुर रहमान यहाँ बसपा से सांसद बने थे। लेकिन 2024 में क्या तस्वीर बदलेगी, क्योंकि गठबंधन इस बार नहीं है, तो जनता से बातचीत करेंगे आखिर क्या सोचते हैं, तभी वोट डालते हैं। और हमारे यहाँ जो है बीजेपी का अच्छा काम है और बीजेपी ही बनेगी। 19 में क्यों नहीं बनी थी? क्यों, ऐसा कुछ नहीं है भैया, देखो हर दिन नहीं होता किसी का, सबके दिन आते हैं, ठीक है। नहीं, अखिलेश का तब तक दिन था, तब तक उनके चले हैं, उनके बने हैं, अब बीजेपी का चले हैं। यदि आगे अच्छा बीजेपी काम करेगी तो बीजेपी बनेगी, अखिलेश यादव करेंगे तो वो बनेंगे, केजरीवाल करेगा तो वो बनेगा। काम तो जो सत्ता में होगा वो करेगा, तो सत्ता में तो बीजेपी है। अब कैसा काम कर रही है, अच्छा कर रही है कि बुरा कर रही है, वो तो बताओगे ना आप? हमारे यहाँ तो बीजेपी अच्छा काम कर रही है, बीजेपी ही बनेगी। इसमें गुंडागर्दी, चोरी, जारी, गोकशी सभी कुछ खत्म हो गया है, और जो नहीं खत्म हुआ है वो भी हो जाएगा। बीजेपी से हमें पूरी उम्मीद है। इसमें क्या हुआ था ऐसा कि बीजेपी पिछड़ती चली गई, आपको यहाँ फजलुर रहमान सांसद बना? हमें उस टाइम इतनी नॉलेज नहीं थी, ना ही हमारी उस टाइम वोट थी। अब हमारी वोट भी है, हम अपने वोट देने के अधिकारी भी हैं, तो हमारे हिसाब से अब बीजेपी अच्छा काम करी थी, बीजेपी ही बनेगी हमारे हिसाब से। यहाँ के सांसद ने काम नहीं किया, फजलुर रहमान सांसद ने भी किया है। देखो तभी मतलब कभी का टाइम, मतलब सांसद में हमारे राघव लोखनपाल जी भी थे, ठीक है, उन्होंने भी काम किया है, लेकिन अब नहीं है। तो फजलुर रहमान है, वो भी करते होंगे, करते हैं, लेकिन आज वो कर रहे हैं तो वो हैं, लेकिन कल नहीं करेंगे तो ये जनता के हाथ की बात है। कर रहे हैं तो उनको बनाओ, उनको क्यों नहीं बना रहे हो आप? जनता इस चीज़ को, जनता चुनती है, जनता में सब आते हैं, जनता में सब हैं, एक व्यक्ति से कुछ नहीं होगा, सब मिलकर करेंगे, सबका विकास होता है। हाँ जी, क्यों ताऊ जी, क्या नाम आपका? नाथीराम। नाथीराम जी, क्या होगा अब चुनाव भाई 24 के? 19 में तो आपने बसपा से जिताए, यहाँ 24 में क्या होगा? इस बार बसपा के फजलुर रहमान ही हैं या कोई और दिख रहा है? जी कोई और ही दिखा देंगे। और कौन? जी नाम नहीं वो कह सकता। क्यों नहीं बता सकते नाम? डर है कोई? ना, मन पड़े आदमी हूँ। वैसे बता दो, भाजपा का जिता रहे हो, सपा का जिता रहे हो? मैं तो अनपढ़े आदमी। वोट तो करोगे ही? हाँ, वोट देंगे। चुनाव आएंगे 24 के तो क्या दिख रहा है इस बार 24 में, कौन सांसद होगा? जो वर्तमान है उनके तो हमने दर्शन नहीं आज तक करे हैं। जो वर्तमान सांसद है फजलुर रहमान जी, उनके तो दर्शन भी नहीं अभी तक किए, काम तो अलग दूर की बात है। हाँ, परिवर्तन चाह रहे, कुछ परिवर्तन तो होना चाहिए, क्योंकि काम करने वाला बंदा ही होना चाहिए। परिवर्तन तो 19 में भी करा था आपने? नहीं, परिवर्तन 19 में तो किया था, लेकिन उसका परिणाम तो सही नहीं आया परिवर्तन का। जो सांसद बने हैं वर्तमान, उन्होंने तो कोई काम नहीं किया है इधर, कहीं दिखते भी नहीं पब्लिक के बीच में भी, किसी के मरने में जीने में कहीं इधर तो दिखाई नहीं दी। हम तो आज तक भाई फेस भी नहीं जानते, जबकि हम तो रोड पर ही बैठे हैं यहाँ। अच्छा, कभी दिखे भी नहीं यहाँ पे? नहीं देखे, इधर कभी नहीं आए। मतलब कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? देखो पब्लिक जिसे बनाओगी वही बनाए, पब्लिक का हिस्सा आप भी हो, कुछ इच्छा तो होती है मन की, हाँ दिमाग में चलता है कि ये नहीं ये होना चाहिए, ये नहीं ये होना चाहिए। नहीं ऐसे तो ये है कि जो भी कैंडिडेट आवेंगे उनमें ही चयन होगा कि कौन सही है इनमें कौन नहीं। थोड़ा सा ये आपको लगा कि इस बार आप यहाँ गठबंधन की जीत हुई थी, जो सत्ताधारी दल है उसका सांसद नहीं था, तो उसका कहीं ना कहीं फ़र्क लगा कि ये नुकसान जनता का हुआ है फ़ायदा हुआ है? नहीं, जनता का तो नुकसान है इसमें। देखो जिनकी सत्ता है उनका ही अगर सांसद बने तो काम ज़्यादा होने की संभावना रहती है, अदरवाइज तो जो है विधायक भी जीते हैं ये उमर अली खां,
कहीं दिखाई भी नहीं देते हैं, कुछ एक इन्हें बहाना भी मिल जाएगी भाई हमारी सरकार ने हम क्या करें, और वैसे भी पब्लिक टच में रहते हैं लोग, एक बहाना मिल जाता है कि हम सत्ता में नहीं काम कैसे कर पाएंगे, ये भी बहाना रहता है, नहीं तो विधायकों के बहुत सारे काम हो कम से कम पब्लिक में के दुख सुख में तो खड़े रहना चाहिए। बसपा में भी इस बार कैंडिडेट कहीं अगर फजलुर रहमान की जगह इमरान मसूद आ गए, वो भी बसपा में है, तो वो कैसे रहेंगे? इमरान मसूद भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बसपा से आ रहे हैं वो भी ठीक है। बीजेपी से आप जानते होंगे कैबिनेट मंत्री रहे हैं पहले सुरेश राणा जी, वो भी लोग कह रहे हैं कि यहाँ से लोकसभा लड़ सकते हैं, अगर वो लड़ेंगे इमरान से के साथ फाइट हो तो कैसा मुकाबला आप देखते हैं? नहीं, सुरेश राणा जी का अच्छा है, साफ सुथरी छवि के आदमी हैं, भाईचारा बना कर रखने वाले हैं। इमरान जी थोड़ा सा ये है कि वो हिंदू मुस्लिम का ज़्यादा कर देते हैं, हाँ थोड़ा एक, बाकी सुरेश राणा अच्छे कैंडिडेट हैं। लगता है आपको कि यहाँ से लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं मतलब एक संभावना है आपको जीत के लगती है उनकी, कि बाहर से आएंगे यहाँ पे लोग एक्सेप्ट ना करें? परिचित हैं वैसे तो, जनता से काफ़ी परिचित हैं, लोग जानते हैं, कोई नया चेहरा तो है नहीं। मैं भी, हाँ मैं भी परिचित है, जसवंत सैनी जी को भी सब लोग जानते हैं, तो परिचित चेहरा ही होगा, तो एक दोनों कामयाब हो सकते हैं, कोई सा भी आ जाओ इनमें से। राघव जी भी अच्छे रहे हैं। तो कुछ लोग और हैं यहाँ से इनसे बातचीत। जी भाई साहब, क्या हाल चाल आपके? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। क्या नाम सर आपका? गोपेश्वर चौहान। चौहान साहब, यहाँ पे 24 में चुनाव हुए, 19 में तो यहाँ पे बीजेपी को धराशायी किया आपने, गठबंधन मजबूती से लड़ा और जीता भी, तो 24 में क्या देख रहे हैं आप? मैं 24 में बीजेपी को जिताऊंगे। 19 में क्या कमी रह गई थी? कब? पिछली बार? मैं पिछली बार तो बहुत सारी कमियाँ थी, कुछ आपसी मनमुटाव था, किसी का कुछ काम नहीं हो पाया बीजेपी के थ्रू, किसी का कुछ नहीं हो पाया, मनमुटाव दूर हो गए। हाँ हो गया। वो कह रहे हैं यहाँ से इमरान मसूद भी चुनाव लड़ सकते हैं इस बार बसपा से। भाई सबके रास्ते खुले, कोई भी लड़ सके, क्योंकि प्रतिबंध है। कह रहे हैं कि सुरेश राणा आ सकते हैं, जो कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, थाना भवन के विधायक रहे पहले। पार्टी का मुद्दा है, कौन आओगा कौन नहीं आओगा। आए तो कैसे रहेंगे आपके साथ? स्वागत है उनका भी। ऐसा तो नहीं लोग कहेंगे ये तो बाहर से आ गए, शामली जिले से उठ करके यहाँ आ गए, ऐसा कुछ नहीं। वही प्यार मिलेगा उनको भी लोग, वही तो इस बार लड़ने की पूरी तैयारी है गठबंधन से बिल्कुल। हाँ जी पूरा। क्या नाम सर आपका? प्रदीप चौहान। चौहान साहब, 24 के चुनाव आ गए, कैसे देख रहे हो लोकसभा चुनाव में क्या होगा? सहारनपुर लोकसभा बीजेपी के आदमी, बीजेपी इसमें भी थे बीजेपी के लोग, तो यहाँ पे मोदी से बढ़िया कोई आदमी नहीं है भाई। इसमें क्यों बुला दिया मोदी को? नहीं हम लोग तो बुला नहीं है, जब भी सहारनपुर से ठहरा के भेजी तो बुला ही दिया, बस टिकट का थोड़ा ऐसा ही हुआ, गलत आदमी को टिकट देगा, गलत आदमी के हाथ में टिकट था, वो कभी फील्ड में जाके देखते नहीं है, इसलिए आ रहे। 14 में भी थे तो आए तो नहीं उसके बाद यहाँ भाई साहब। 19 के बाद भी नहीं आए, हारने के बाद वो अब भी नहीं आए यहाँ। अब फ्री टिकट हो गया तो देखो फिर 10 जगह सीट फायदा क्या होगा, ऐसा आदमी को टिकट देना ही चाहिए। जब राघव लोखनपाल को अगर टिकट मिलता है तो सीट 10 जाएगी? 10 ही जाएगी, जब देखना नहीं आगे, लोगों से मिलना नहीं है, नया चेहरा होना चाहिए। नया चेहरा कौन होना चाहिए? कोई भी जैसा मतलब हमारे वो तो ये कि भाई राणा जी का टिकट हो या उन्हीं की छवि है। कौन से राणा? अभय राणा की। अभय राणा की, लोग दूसरे राणा जी का भी जिक्र कर रहे हैं कि सुरेश राणा जी आ रहे हैं कैबिनेट मंत्री रहे हैं। चलो वो भी राणा जी हैं, ठीक अच्छी बात है, बढ़िया नेता है कद्दा, और लेकिन उनका क्षेत्र नहीं पड़ता यहाँ, तो इसीलिए लोग मतलब थोड़ा ही आदमी को टिकट मिला ना सहारनपुर वाले को ही तो बहुत बढ़िया है। जैसे राणा जी की विधानसभा बहुत बढ़िया काम हुए सारे यहाँ, तो यहाँ भाई अभय राणा की ज़्यादा पुकार है क्षेत्र में, उन लोगों ने बहुत काम करा रखे हैं, वो फील्ड से जुड़े भी हैं और फील्ड में रहते हैं हर वक्त, ऐसे आदमी का काम होता है राजनीति में। तो मतलब राघव के लिए तुम्हें आसान नहीं लग रहे रास्ते के, अगर राघव का टिकट हुआ तो? नहीं चलो खाया तो पार्टी का निर्णय है, जिसका टिकट मैं बात बताइए। बसपा से भी फिर बदल कह रहे हैं इस बार हो सकता है कि इमरान चुनाव लड़ सकते हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है हमारे पास। इमरान जी तो पता नहीं कितनी बार आए और गए, उनका कोई नहीं है, तो बीजेपी है तो बीजेपी। आपको कौन सा आसान लगता है, विपक्षी कैंडिडेट कौन सा होना चाहिए, फजलू के इमरान? हम तो इमरान ही आ जाओ वही बढ़िया रहेगा हमारे लिए, तो यहाँ बीजेपी के लिए वो बढ़िया रहेगा और क्या, देखा बड़ा आदमी वो भी। बीजेपी के लिए क्यों अच्छा रहेगा इमरान? बस जानेंगे ना लोग बाग, इमरान मसूद को भी अच्छी तरह जाना ना यहाँ से, किस तरह का नेता है, बार बार पार्टी बदल दे तो
अच्छा प्रभाव जाएगा ना फील्ड में उसका, सबों को पता है यहाँ लोग बाहर जाना है भाई, आई आई योजना में अपनी वो बदल देता है वो। इसका मतलब आप कमज़ोर मान रहे हैं उनको, बीजेपी वाले चाह रहे हैं कि इमरान ही आ जाए तो ज़्यादा आसान होगा चुनाव? हम तो कमज़ोर ही नेता मान लू ना, वहाँ सहारनपुर में भी स्त्री रहे हैं बेचारे, अभी मेयर का चुनाव हुआ पहले हमारे साथ गड़बड़ हुई, हम तो चुनाव जीत रहे थे, हमारी वोट नहीं डलने थी। हारने के बाद तो सब ऐसे ही गया, गड़बड़ी पहले ही कह रहे थे, जिस दिन वोटिंग डल रही उस दिन आरोप लगा रहे थे कि हमारी वोटों को रोका जा रहा है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो प्रशासन लड़ता सभी देख रहे थे वहाँ सामने, ऐसे तो वीडियोग्राफी हो रही है हर जगह, तो बाद में हारने वाले स्त्री का है। तो पहले दिन से ही कह रहे थे कि शासन प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है। नहीं नहीं वो तो बात आपकी सही है, पर कोई नहीं। जी भाई साहब, क्या नाम आपका सर? रजत चौहान नाम है मेरा। रजत जी, रजत जी क्या हाल चाल आप? बढ़िया जी, आप सुनाओ कैसे हो? 2024 कैसे देख रहे सहारनपुर लोकसभा? सहारन लोकसभा में बीजेपी की सीट होगी जी, जो सहारनपुर में है बीजेपी में, बीजेपी की सीट निकलेगी जी। 19 में क्या हो गया था? 19 में कुछ नहीं, वैसा कुछ माहौल नहीं था, थोड़ा जो है कुछ कमियां थी जो नहीं हो पाई थी, जैसे राघवपाल का टिकट हुआ था, अब किसी और का टिकट होता तो सीट के लिए निकलती। मतलब आप कमज़ोर मानते हैं उसे कैंडिडेट? बिल्कुल बिल्कुल, कैंडिडेट बिल्कुल कमज़ोर है, आता नहीं है, कहीं भी घूमता है सारे में जो है अपने उधर की घूमता है, अगर उसकी कोठी पर जाते हैं मिलने तो वहाँ भी नहीं मिलता है, कह देता है कि घर पे कोई नहीं है, कि मैं घर पे नहीं हूँ या कहीं जा रखा हूँ, और घर पे रहता है, लोगों से दूरी बना के रखता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। विकल्प क्या है बीजेपी के, और कौन चेहरा देख रहे हैं आप? विकल्प बहुत है जी, राभे राणा जी है, साहब सिंह मुंडीर है, काफ़ी चर्चा में है, और सारे हैं, बहुत सारे हैं, ऐसी नहीं है बात नहीं है कि बीजेपी पे चेहरे नहीं है, सहारनपुर में बहुत चेहरे हैं। कोई भी आ जाए, राघव ना आए, आपका कहने का मतलब? राघव रघनपाल जो है पब्लिक में जो है नहीं घूमता फिरता है, किसी का हाल चाल नहीं लेता है, जीतने के बाद 2014 में जीता था, उसके बाद उसने आगे नहीं देखा इधर को। बताओ इसमें तो आए होंगे ना, 19 में आए? 19 में तो भगा दिया था गांव में से उन्हें, गाँव से भगा दिया था उन्होंने, उनका पूर्व बहिष्कार किया गया था। ठीक है, बीजेपी से है, बीजेपी को वोट देनी है, लेकिन बढ़िया कैंडिडेट नहीं है। कैंडिडेट बढ़िया नहीं? ना ना ना, कैंडिडेट बढ़िया नहीं है, राघव रघनपाल जो है बढ़िया कैंडिडेट नहीं है, उसके साथ जो है अभय राणा को दे देते, शायद साहब सिंह पुंडीर है, नया चेहरा है, को बहुत बढ़िया है, अभय राणा को देंगे तो इस बार भी सीट जो है धस सकती है, अभय राणा कैंडिडेट हो, सॉरी राघव रघनपाल जो है वो कैंडिडेट बढ़िया नहीं है। टिकट हो गया तक तो पार्टी का निर्णय है, जो पार्टी निर्णय लेगी वो सर्वे निर्णय होगा, लेकिन बीजेपी है, बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन यह है कि उससे जो है आक्रोश है जनता में, यह है कि जीतने के बाद मिलना चलना चाहिए, जब जीत गए फिर भी हाल चाल पूछना चाहिए, गांव में आना चाहिए, उस तरह से नहीं आते हुए मिल जाते हैं वोट ले। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार ऐसा हुआ कि हमारे दोस्त के उनके कोठी पे गए और बाहर सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि है नहीं, जिसके हमें पता था कि कोठी पे ही है वो, तब भी नहीं मिले वो, अब बताओ फिर क्या मैसेज जाएगा जनता में। तो ये तमाम लोग बेहट विधानसभा से थे, लोग सहारनपुर लोकसभा में ये सीट पड़ती है, इनका साफ तौर पे कहना है कि सांसद राघव लखनपाल 2014 में यहाँ से चुने गए थे, जीतने के बाद 5 साल में एक बार भी यहाँ आके झांका नहीं, लोगों से मिले नहीं, बातचीत नहीं की, समस्याएं नहीं सुनी, हालांकि 19 में टिकट जरूर हुआ था, यही कारण उनकी हार का भी रहा, 19 में लोगों में कहीं ना कहीं विरोध था कि जहाँ जन सुनवाई नहीं होगी तो ऐसे कैंडिडेट को ना उतारा जाए। तो आप भी जुड़े रहे हेडलाइंस उत्तर प्रदेश के साथ, मैं कुलदीप सिंह सहारनपुर।